हाय फ्रेंड्स, तो अब आज हम लोग एक क्रशर है, क्रशर पे देखने आए कि यहाँ तंजानिया में कैसा अपना ये क्रशर वगैरह में कैसा है। तो ये तो उसका ऑफिस है, जो क्रशर वाले हैं उनका ये ऑफिस है और इसके पास कुछ गार्डन लगा हुआ है। बाकी मेरे पीछे भी क्रशर है, तो मैं अब क्रशर दिखाता हूँ कैसा सेटअप है यहाँ पर क्रशर का। तो सामने जो है वो लेक विक्टोरिया है, जैसे कि ये देखिए, ये सामने पूरा पूरा लेक विक्टोरिया है। इधर पूरा ये स्टोन है, ये इनका ऑफिस है। ये कुछ 0 to 6 mm, इसको आप स्टैंड बोल सकते हैं। ये कुछ स्टैंड रखे हुए हैं, ये इनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये पूरे ट्रक्स वगैरह खड़े हुए हैं। इसी में जो अपना क्रशर जाता है, बोलता हूँ मैं, जो मटेरियल है एग्रीगेट सैंड डस्ट वगैरह, ये सब इसी से अपना ट्रांसपोर्ट करने के लिए रखा हुआ है। ये सामने एक व्हील लोडर खड़ा है, आई थिंक 5 क्यूबिक मीटर का लग रहा है ये व्हील लोडर है। ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए अपना क्या बोलते हैं ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। ये गाड़ियों को फ्यूल के लिए एक छोटा सा रिफिलिंग स्टेशन है, उसमें डीजल वगैरह के लिए है। ये पूरा पूरा ऑफिस है, उसका गार्डन है, कुछ लोग खड़े हैं। सामने कंटेनर है, आई थिंक इसमें कुछ लोग हैं जो रहते होंगे। ये जो है ये प्रोडक्शन यूनिट है टोटल। तो ये देखिए सामने से, उधर से जो पीछे वाला जो एरिया है, आई थिंक नॉट विजिबल, वो जो पीछे दीवार टाइप की खड़ी है, वहाँ पे जो है अपना जो बोल्डर से बड़े बड़े पत्थर है उसको डंप करेगा। वहाँ से उसी उस जो बगल वाला जो दिख रहा है उस यूनिट में आएगा, वहाँ से फिर ये यहाँ पे आ रहा है। फिर यहाँ से थ्रू कन्वेयर बेल्ट ये जो यूनिट आपको दिख रहा है इसमें आएगा। फिर यहाँ से सामने वाला जो यूनिट है इसमें आएगा। यहाँ निकलने के बाद फिर यहाँ से, मतलब इसमें क्या है कि ये लोग 6 तरीके के एग्रीगेट बना रहे हैं, जिसमें से एक को सैंड आ गया, उसके बाद 0 to 6 mm है। फिर एक है इनके पास आई थिंक 10 to 14 mm, फिर है कि 16 to 22 mm एंड देन 22 to 30 mm है। तो जितने प्रकार के वो रहेंगे, जितने प्रकार के अपना एग्रीगेट्स वगैरह रहेंगे, तो उतना ये उतना वो लगेगा, क्या बोलते हैं, यूनिट लगेगा। उसको सीव लगा रहता है, सीव में से छट छट के आता है। जैसे ये दिख रहा है, ये 22 to 30 mm दिख रहा है, 22 to 30 mm के बीच रहा है। वैसे ही इधर जो है, हाँ वो वाला है स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो प्रोसेसिंग एग्रीगेट बनाने का। ये जो है ये फाइन सैंड है, सैंड है, रेत है, इसको हम लोग 0 to 6 mm भी बोलते हैं। फिर इधर ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला आई थिंक सो 16 to 22 mm ये लग रहा है, 16 to 22 mm। सेम उसके जो बाजू वाला है वो लग रहा है 6 to 10 mm है। और ये सब जो बोल्टर निकला रहा है, ये हमारे अपने लैब वाले साहब हैं, ये अभी यही चेक कर रहे हैं कि कौन कितना क्वांट वो अपना कौन जितने एग्रीगेट्स हैं, वो ये चेक कर रहे हैं कि जो अपनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से है या नहीं है। तो ये पूरा देखिए सैंड का टीला लगा हुआ है, पूरा सैंडी सैंड है। और ये देखिए कुछ पत्थर, तो ये इनका रॉ मटेरियल हो गया, जो पत्थर है वहाँ से ये लोग अपना निकालेंगे और इसको अपना जो स्टार्टिंग यूनिट है वहाँ पर रखेंगे, और वहाँ से फिर ये एग्रीगेट वगैरह बना लेते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।